गाइस पोकेमोन की कोर न्यूड में आप सभी का स्वागत है और आज है पोकेमोन फ्यूजन्स का एपिसोड 3 जिसमें हम कुछ और नए 10 पोकेमोन के फ्यूजन्स को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लेना, उनमें हमने बहुत ही कमाल के पोकेमोन के फ्यूजन्स को देखा था। दोनों एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप चाहो तो यार प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर दोनों एपिसोड्स हैं। और हाँ, एक और चीज, इस वाली वीडियो को देखने के लिए जरूरी नहीं है तुम्हें दोनों वीडियोस देखनी हो, बस अगर तुम्हें कुछ ऑसम पोकेमोन्स को देखना है तो तुम देख सकते हो, वरना इस वाली वीडियो को एंजॉय करो। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना क्योंकि आप जितने ज्यादा लाइक्स दोगे यार उतनी ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। पिछले बार आपने सीरीज को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया था इसलिए ये वाला एपिसोड बहुत ही जल्दी आ गया है। और जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यार जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी और भी पोकेमोन की वीडियोस आती हैं। तो यार अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला फ्यूजन है अल्टा ड्रैगन। ये पोकेमोन का फ्यूजन बना है अल्टारिया और ड्रैगनेयर के मिलने से। और यार इसका कलर ना मुझे काफी कमाल का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू लाइट कहीं पर चमक रही हो। और गाइस, इस पोकेमोन का जो बीच में सेंटर में जो एक मोती जैसा बना हुआ ना, ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसके टेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। हम सभी को पता है ड्रैगनेयर की आईज कितनी ज्यादा औसम होती है, मतलब एकदम मोती जैसे, और इस पोकेमोन में भी उसी की आईज का यूज किया गया है। और गाइस, अल्टा ड्रैगन की बॉडी से जो ये ब्लू लाइट निकल रही है ये सबसे बड़ी हाईलाइट है जिससे ये पोकेमोन बहुत ही ज्यादा ऑसम दिख रहा है। एनीवेज यार, ये दोनों ही पोकेमोन ड्रैगन टाइप है, अल्टारिया और ड्रैगनेयर, इसलिए ये एक प्योर ड्रैगन टाइप है। पर सच में मुझे जानना है इस पोकेमोन की पावर कौन सी होंगी। वैसे तो यार इसके पास में पूरी की पूरी ड्रैगन टाइप पावर होगी और हो सकता है इसके पास में थोड़े बहुत वाटर टाइप अटैक्स भी हो। एनीवेज यार, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है गोल्टेक। ये पोकेमोन बना है गोल्डिन और माइलोटेक के मिलने से। और गाइस, इस पूरे पोकेमोन की बॉडी पूरी की पूरी माइलोटेक की है, बस थोड़ा बहुत गोल्डिन के रिफरेंस है। और हाँ, एक और चीज, इस पोकेमोन का पूरा कलर गोल्डिन से लिया गया है, पर साथ ही में उन्होंने जिस तरह से इनके कलर्स को अलग अलग दिखाया है ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। गोल्डिन का कलर काफी ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो यार मेरे हिसाब से तो माइलोटेक की भी कलर्स काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट जिस तरीके से इन्होंने ऑरेंज कलर का यूज किया है ना, ये सबसे ज्यादा कूल दिख रहा है। और इसके सिर के ऊपर जो साइड से विंग्स जैसे निकल रहे हैं और साथ ही में इसके माथे के ऊपर एक हॉर्न है, और ये दोनों ही चीजें गोल्डिन की हैं। पर इसकी आईज गाइस माइलोटेक की है, पर अच्छी बात है उन्होंने माइलोटेक की आईज का यूज किया क्योंकि माइलोटेक की आईज काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। एनीवेज गाइस, इस लिस्ट का थर्ड पोकेमोन है चेरिनी। ये पोकेमोन बना है लिवेनी और चेरम के मिलने से। वैसे तो यार मुझे लिवेनी पोकेमोन उतना ज्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, पर हाँ ये वाला पोकेमोन काफी ज्यादा कूल दिख रहा है। उन्होंने यार इस वाले एवोल्यूशन में भी लिवेनी ज्यादा यूज हुआ है, बट चेरम के पीछे जो फ्लावर्स दिए गए हैं वो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने फ्लावर्स के लीव्स का यूज किया है उसके पीछे कोई, मतलब सूट जैसा बनाने में इसकी कॉस्ट्यूम की तरह, जो कि अच्छी दिख रही है। और वैसे गाइस, लिवेनी और चेरम के फेस एक ही जैसे दिखते हैं, पर यहाँ पर फेस लिया गया है लिवेनी का और साइड से जो एंटीना जैसे निकले हैं ना वो शेरम के हैं। एनीवेज यार, ये पोकेमोन मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका कलर और इसका जो सूट दिया गया है ना, जो कॉस्ट्यूम, ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। देखने से ऐसा लग रहा है गाइस जैसे ये पोकेमोन कोई प्रिंसेस हो और इसने अपनी कॉस्ट्यूम पहनी है। एनीवेज यार, इस लिस्ट का फोर्थ पोकेमोन है एम्पोशार्क। ये पोकेमोन ना मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा क्योंकि ये एम्पोलियन और बिशार्प के मिलने से बना है। जरा यार देखो इसे, ये कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है। हम सभी को पता है एम्पोलियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और साथ ही में विशार्प भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि विशार्प ना पोकेमोन की हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमोन है जिसे पहले वॉर्स में यूज किया जाता था। और यहाँ पर ना तुम इसे देख के बता सकते हो ये पोकेमोन किसी से भी टकराने को तैयार है। जरा यार देखो इसे, इस पोकेमोन के सिर के ऊपर एक क्राउन के जैसा या तो कोई आर्मर जैसी कोई चीज है और साथ ही में हाथ में ब्लेड्स भी हैं। इसलिए गाइस तुम लोग कह सकते हो कि ये पोकेमोन एक फाइटर पोकेमोन है जो कि किसी से भी लड़ सकता है, रियली किसी से भी। मुझे नहीं लगता यार इस आर्मर वाले पोकेमोन से कोई लड़ना पसंद करेगा और हाँ इसके अटैक से कोई बच पाएगा। बट एक मिनट, मुझे एक ऐसा पोकेमोन याद आया जो कि इस लिस्ट में है और ये इस पोकेमोन से बच सकता है, जो कि नेक्स्ट है। और इस पोकेमोन का नाम है स्कारजार्ड। ये पोकेमोन बना है स्कारमरी और चार्जार्ड के मिलने से। और हम सभी को पता है स्कारमरी एक फ्लाइंग स्टील टाइप पोकेमोन है और ऊपर से चार्जार्ड एक फ्लाइंग फायर टाइप है। और इन दोनों पोकेमोन के मिलने से ना काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और इसलिए हम इसे एक न्यू टाइप देंगे जो कि है फायर स्टील टाइप। और शायद यार ये अभी तक का सबसे यूनिक पोकेमोन होगा। जरा इस पोकेमोन को पास से देखो, अगर तुम इसके टेल को ध्यान से देखो ना तो तुम्हें समझ में आएगा इसकी बॉडी का स्टील इसके अंदर की हीट से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है जिस वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और चाहे तो ये
अपनी टेल से भी आराम से अटैक कर सकता है। गाइस जरा सोचो यार, ये पोकेमोन अगर आयरन टेल का यूज करेगा तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और इसके विंग्स को भी आप सभी देख ही सकते हो, ये पूरी तरह से आग से चमक रहे हैं और साथ ही में इनके अंदर से भी ब्लेज बाहर आ रही है। और ये पोकेमोन चाहे तो आराम से स्टील विंग का यूज कर सकता है जिसमें फायर टाइप भी मिक्स होगा। एनीवेज यार, ये पोकेमोन ना मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा और मुझे लगता है ये लड़ सकता है हमारे पिछले वाले पोकेमोन से। तो अब हमारा सिक्स्थ पोकेमोन है अल्टीकॉट। ये पोकेमोन बना है विम्सकॉट और अल्टारिया के मिलने से। और गाइस इस पूरे के पूरे पोकेमोन में अल्टारिया की बॉडी का यूज हुआ है और विम्सकॉट यार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बट इस पोकेमोन के मिलने से उसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एनीवेज यार, हम सभी को पता है अल्टारिया और विम्सकॉट दोनों की बॉडी में फर होते हैं, बट इस पोकेमोन में कलर का यूज हुआ है विम्सकॉट का। पूरी की पूरी अल्टारिया की बॉडी है बट हाँ कलर विम्सकॉट का है और साथ ही में कुछ और चीजें भी विम्सकॉट की हैं, पर ये दिखने में ना ज्यादा कूल दिख रहा है। बट उन्होंने अगर थोड़े से कलर में चेंज करके यहाँ पर ब्लू कलर का भी यूज किया होता तो ये और ज्यादा कूल दिखता शायद। एनीवेज यार, हम सभी को पता है विम्सकॉट एक फेरी टाइप है जो कि अच्छी बात है, तो ड्रैगन टाइप के मिलने से एक फेरी ड्रैगन टाइप बना है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है इस पोकेमोन की पावर ज्यादा होगी। बट हाँ, मुझे इस पोकेमोन में एक ही चीज की कमी लगी, वो थी इसकी आइस का कलर, क्योंकि यार हम सभी को पता है अल्टारिया की आइस का कलर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और मेरे हिसाब से अगर ये लोग इसकी आइस का ब्लू कलर रखते तो ना ये और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता। एनीवेज यार, फिर भी ये पोकेमोन उतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर फिर भी हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट पोकेमोन आने वाला है ना वो इससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इस लिस्ट का सेवंथ पोकेमोन है सिल्विया। ये पोकेमोन दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि ये पोकेमोन बना है सिल्विया और किरलिया के मिलने से, और साथ ही में ये उतना ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसमें सिल्वियोन की बॉडी के कलर्स, उसके रिवेंस और साथ ही में कुछ और चीजों का यूज हुआ है। देखने से लगता है जैसे इस पोकेमोन ने कोई ड्रेस पहनी हो, और तो और इसके पैरों में पिंक कलर के शूज, इसके चेस्ट में एक हार्ट जैसा शेप और सिर के ऊपर दो रिवेंस, इन सबसे यार ये पोकेमोन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनता है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले पोकेमोन में कहा था कि उसकी आइस का कलर मुझे उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लगा, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसकी आइस का कलर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि पूरी तरह से पिंक दिख रही है जो कि सच में ग्लो भी कर रही है। इससे ये पोकेमोन ना पूरी तरह से परफेक्ट दिखता है। अच्छा हुआ उन्होंने इस पोकेमोन में कहीं पर भी ग्रीन कलर का यूज नहीं किया, उससे ना इस पोकेमोन की परफेक्शन थोड़ी सी खराब हो सकती थी। बट जिस तरीके से उन्होंने इसमें व्हाइट कलर, पिंक और साथ ही में रेड का यूज किया है, ये एकदम परफेक्ट है। पर फिर भी यार ये पोकेमोन ना किसी बैटल के लिए उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इसे तुम शो के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि ये सरीना के लिए एकदम परफेक्ट है। पर यार हम इस लिस्ट में ना एक फाइटर पोकेमोन भी लेने वाले हैं और अगला पोकेमोन इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अब इस लिस्ट का 8th पोकेमोन है सोमगर। एक मिनट यार, ये किसी गाँव के नेम जैसा नहीं लग रहा, जैसे ये किसी विलेज का नाम हो, रामगढ़, सोमगढ़। एनीवेज यार, नाम को छोड़ो, पर ये पोकेमोन दिखने में बहुत ज्यादा कूल है क्योंकि ये पोकेमोन बना है सोमपट और काइगर के मिलने से। और हम सभी को पता है काइगर एक लेजेंडरी पोकेमोन है और साथ ही में सोमपट उतना ही ज्यादा पावरफुल है, और जिस तरीके से इन दोनों पोकेमोन को मिलाया गया है ना, ये एकदम परफेक्ट बना है। वैसे तो काइगर पानी के बाहर नहीं आ सकता, पर इस पोकेमोन की मदद से वो अब आसानी से कहीं भी जा सकता है, और इसके बाद ना ग्राउडोन की वाट लगने वाली है। सोचो अगर ग्राउडोन की इससे बैटल होगी तो वो क्या करेगा, काइगर इसकी वाट लगाने वाला है। एनीवेज यार, शायद मैंने एक और चीज नहीं बताई कि ये मेगा सोमपड और प्राइमल काइगर है, तो इस पोकेमोन की पावर एक अलग लेवल पर है। सोचो अगर ये पोकेमोन बैटल करेगा तो क्या होने वाला है। पर हमने तो यार इसमें सिर्फ एक ही लेजेंडरी का यूज किया था, सोचो अगर हम दो लेजेंडरीज को मिला दे तो क्या होगा। तो इस लिस्ट का 9th पोकेमोन है सुईकूनो। ये पोकेमोन बना है सुईकून और आर्टिकूनो के मिलने से, और हम सभी को पता है ये दोनों ही पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन हैं। जरा यार इस पोकेमोन को देखो, सुईकून की बॉडी में जिस तरीके से विंग्स आए हैं वो बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहे हैं। साथ ही में दोनों पोकेमोन के कलर्स को ना बराबरी से मिलाया गया है। और गाइस इस पोकेमोन को देखकर मुझे याद आती है ग्रिफिन की। अगर तुम सभी को पता हो तो ग्रिफिन भी ऐसे ही कुछ होता है, बस उन्होंने पोकेमोन के हिसाब से इसे थोड़ा और कूल बना के दिखाया है, जो कि अच्छी बात है। बस मुझे इस पोकेमोन में एक ही चीज थोड़ी सी अजीब लगी, इस पोकेमोन के जो आगे के पंजे हैं ये सुईकून के हैं और जो पीछे वाले हैं वो आर्टिकूनो के। भला यार ये ठीक से चलेगा भी कैसे, तो ये बस चीज ना थोड़ी सी अजीब है। पर बाय द वे यार, ये पूरा का पूरा पोकेमोन बहुत ही ज्यादा कूलेस्ट लग रहा है। पर यार जो इस लिस्ट में फाइनल पोकेमोन आने वाला है वो इससे ज्यादा कूल है और मुझे वो पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इस लिस्ट का हमारा 10th और लास्ट पोकेमोन है ब्लेज फ्लेम। ये पोकेमोन बना है ब्लेजिकिन और टेलोन फ्लेम के मिलने से। ये दोनों ही पोकेमोन फायर टाइप है और हम सभी को पता है ब्लेजिकिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में यार उन्होंने जिस तरीके से इसके डिजाइन को दिखाया है ये काफी ज्यादा कूल है।
मुझे तो यार ये पोकेमोन ना मेगा से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार इसके डिजाइन को देखो, ये एकदम ओवर पावर दिख रहा है, और मेरे ख्याल से तो ये किसी भी मेगा एवोल्यूशन या तो किसी और एवोल्यूशन से ज्यादा बेटर है। और शायद यार यहाँ पर इसके चेहरे के बगल से ये टेलोन फ्लेम के विंग्स हैं, तो आई थिंक यार ये एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि हम सभी को पता है ब्लेजिगन के विंग्स नहीं होते, बट अब फ्यूजन होने की वजह से इसके चेहरे के बगल में विंग्स भी आ चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा कूल बात है। और मुझे इसमें एक और चीज परफेक्ट लगी कि उन्होंने इसकी आईज का कलर ब्लू रखा है। जरा देखो यार किस तरीके से मैच कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आईज का कलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उन्होंने इस पोकेमोन में इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। जरा इसके आईज के कलर्स को देखो, एकदम परफेक्ट ब्लू बनाई है। इसलिए गाइस मुझे ये पोकेमोन ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एनीवेज यार मुझे कमेंट्स में बताना इस पूरी लिस्ट में तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, और एक और चीज तुम्हें अगले पोकेमोन्स की लिस्ट कौन सी देखनी है मुझे जरूर बताना, कौन से तुम्हें पोकेमोन के फ्यूजन्स देखने हैं। और हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोग यार जितने ज्यादा लाइक्स दोगे ना उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो ऐसे लाइक कर देना। और जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हो जाके सब्सक्राइब कर लो और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं यार हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। I'm not afraid of the dark.